नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का प्रश्न पत्र आप लोग के सामने है, टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का। आइए जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। यह आपका पेपर है बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का पेपर है। और जिन लोगों को यह प्रश्न पत्र, जो लोग पेपर नहीं दिए हैं, पेपर इसको समझना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के नाम से डाला गया है, ठीक है। केवल इतिहास के प्रश्नों को इसमें समाहित किया हूँ और बहुत सारे लोग मिसलीड हैं, लेकिन आइए आप सभी लोग मिला लीजिए। देखिए थोड़ा समय लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने कोई वीडियो नहीं डाला, कटाफर नहीं डाला, पेपर का इस एनालिसिस नहीं किया, कुछ समय लगता है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ मिलता है आप लोग को परफेक्ट मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं, और आप लोग मिलान कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी तरफ से आप लोग जीके भी मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सोर्स होगा आप लोग जीके मिला लीजिएगा और इतिहास का पूरा मिला लीजिएगा। और आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि वह किस कैटेगरी के साथ आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। आप सभी लोग, जो भी लोग देखेंगे वो सभी लोग बताइएगा, ठीक है। फिर हम आप लोग को बताएंगे, कल मैं वीडियो अपलोड करके पूरी जानकारी आप लोग को दूंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, सभी लोग बताएंगे कि कितना उनका नंबर बन रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, और यह जो सेट है यह ई सेट है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तकें हैं, तो यह है आपका वेद, विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 72 देखिएगा, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य नदियां निकलती हैं, तो यह किसे निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, विकल्प सी जो है सही है आपका। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे, तो क्या पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 74, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण कारण थे, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति का प्रथम नगरीय संस्कृत क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 76 देखिएगा, अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी थी, उसके हित में ही उसका हित था, किसने कहा था, बाणभट्ट ने, विकल्प सी जो है आपका सही है। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सभी लोग बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, और कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ विश्लेषण के साथ डालने वाला हूँ। प्रश्न 77, बौद्ध मठ की परिषदें आयोजित हुई थी, बौद्ध मठ की जो परिषदें हैं वह किस लिए आयोजित हुई थी, विकल्प सी जो है आपका सही है, आपका बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए, ठीक है। प्रश्न 78, और यह बात जान लीजिए, जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ 99% हो सकता है एक या दो प्रश्न में कन्फ्यूजन हो या फिर गलत हो, ये उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 98-99% प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को सही ही मिलेंगे। प्रश्न 78 देखिएगा, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा है, तो बी ए स्मिथ ने लिखा है, विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 79, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखा था, तो अशोक ने रखा था, बी जो है आपका सही है, बी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 80 देखिएगा, प्रादेशिका कौन थे, प्रादेशिका एक अधिकारी हुआ करते थे, और यह जो अधिकारी हुआ करते थे यह कौन थे, तो यह आपके अधीक्षक थे, विकल्प ए जो है आपका सही है, मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न 81 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति, जो संतुष्ट था अपने ही इच्छा में, तो वह था सम्राट अशोक, और अशोक की उदारता ही, अशोक की संतुष्टिकरण ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 82, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी, तो यह हर्षवर्धन की कृति थी, हर्षवर्धन ने तीन पुस्तकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, विकल्प सी जो है आपका सही है। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, तुरंत बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। प्रश्न 83, किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था, हर्षवर्धन ने, विकल्प सी, और कैटेगरी के साथ बताइएगा आप लोग। प्रश्न 84 देखिएगा, किसके द्वारा चोल साम्राज्य की 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया, तो चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था, किसके द्वारा, प्रांतक प्रथम के द्वारा, प्राणातक लिखा है, प्रांतक प्रथम ही है, हिंदी में थोड़ा सा अलग हो गया है, विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 85 देखिएगा, किन राजाओं के द्वारा नागरत्व को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था, यह मुझे उम्मीद है कि पुष्पभूति वंश होना चाहिए, विकल्प बी जो है आपका सही है। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप लोग प्रमाण के साथ बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से पुष्पभूति वंश होना चाहिए।
ठीक है। प्रश्न 86 देखिएगा, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम प्रतिकरण की नीति को अपनाया था? तो यह आपका रसिया होगा, विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 87, किस व्यवहारिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? तो यह आपका पूंजीपति वर्ग, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 88 देखिएगा, पुनर्जागरण की सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था किसके लिए? इटली की कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, इटली में जो कला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला यह पुनर्जागरण के कारण मिला, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 89 देखिएगा, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था रूसों ने, विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 90, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह प्रसिद्ध कहावत कहाँ की थी? यह प्रसिद्ध कहावत थी मध्ययुगीन इंग्लैंड की, विकल्प ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय सभा का एक प्रमुख योगदान क्या है? गणराज्य की स्थापना करना, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 92 देखिएगा, क्रांति के बाद फ्रांस की आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था, मिश्रित फसलें, बाड़ाबंदी व्यवस्था, फसलों का व्यवसायीकरण, हो सकता है उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, विकल्प डी, डी होना चाहिए, डी। प्रश्न 93 देखिएगा, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया युग, एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना जाता है, तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, विकल्प ए, रूस और चीन में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो गई क्रांति के बाद। प्रश्न 94, जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? तो यह आपका मेरे हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा, इस्तारो फुरुकावा, विकल्प सी। ऐसे वही बोल रहा हूँ, एक या दो तीन प्रश्न ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन वाले होंगे, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा विश्लेषण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा समझते हैं तो कुछ और तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 95 देखिएगा, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका था, विकल्प सी, ठीक है, यूएसए। प्रश्न 96, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 2 सितंबर 1945 को, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, विकल्प ई, 1 सितंबर 1939 शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक खत्म हुआ। प्रश्न 97 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ग्रुप बन गया था, अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक देश और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक, ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, 98, इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज का रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का बहरम शाह, बहरम शाह का नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद बलबन, बहुत आते हैं, तो इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, विकल्प ए जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बरनी ने, विकल्प बी जो है आपका सही है। कड़े इस्लामी सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक कौन होता है? तो खलीफा होता है, विकल्प ए। प्रश्न 101, बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो रजिया बेगम ने, विकल्प सी। प्रश्न 102, 40 के 40 तुर्कान ए चहलगामी मतलब चालीसा के संगठन को किसने समाप्त किया था? तो इस चालीसा का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने और समाप्त किसने किया था? वह था बलबन, विकल्प बी, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। प्रश्न 103, सल्तनत की आधिकारिक राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी, ठीक है, विकल्प ए, मुगलों की राजभाषा भी फारसी होगी और सल्तनत की राजभाषा भी फारसी थी। प्रश्न 104, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो बरीद जो था गुप्तचर व्यवस्था वाला था, विकल्प सी, बरीद। प्रश्न 105, खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो बलबन था, विकल्प बी, ठीक है। प्रश्न 106, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था कहाँ? तो यह आपका अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में, विकल्प बी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 107, राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी को, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 108, प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आमेर का शासक भारमल था, लेकिन भारमल ऑप्शन में नहीं है, तो या तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है मारवाड़ के राजा हो सकते हैं, अब कन्फ्यूजन है, हो सकता है बी भी ऑप्शन सही हो, या तो हो सकता है डी भी, ई ऑप्शन भी सही हो, उम्मीद है मारवाड़ के राजा को मान लिया जाएगा, देखिए क्या होता है। प्रश्न 109 देखिएगा, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बड़ा कार्य है था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का, एक मूर्खतापूर्ण काम था, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का, ये किसने कहा था? स्टेनले नेलपूल ने, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 110, यह अक्सर स्वीकार किया जाता है कि दशाला पद्धति
किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो राजा टोडरमल के द्वारा। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 111, अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा था, तो साम्राज्य को सूबों में बांटा था, सूबों को परगना भी कहा जाता है, परगना मान सकते हैं, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, परगना। ठीक है, प्रश्न 112, बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के जो बचे खुचे काम थे उसको भी पूरा कर दिया, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 113, लॉर्ड क्लाइव बंगाल कब वापस उसके गवर्नर के रूप में लौटा, तो क्लाइव का जो पहला जो कार्यकाल था 1757 से 60 तक, उसके बाद 1765 से 67 तक, तो 1765 में वापस लौटा, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 114, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की थी, किस पर, किसानों पर, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 116, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का खड़ंदर थी, सर जेम्स आउटरम ने कहा है, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है, प्रश्न 117, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था इरफान हबीब ने, विकल्प बी जो है आपका सही है, इरफान हबीब। प्रश्न 118, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी की थी, तो कुंवर सिंह ने, विकल्प सी, बाबू कुंवर सिंह। प्रश्न 119 देखिएगा, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वह थे दादा भाई नौरोजी, 86, 93 और 1906, तीन बार अध्यक्ष रहते हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 120, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांग क्या थी, तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मांग प्रशासनिक सुधार भी था, विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ भी थे, उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, विकल्प डी। ठीक है, प्रश्न 121 देखिएगा, 1947 में इंडिया डिवाइडर किसने लिखा था, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, विकल्प सी। प्रश्न 122 देखिएगा, मराठा में केसरी किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी जो था पत्रिका थी मराठा भाषा में थी। ठीक है, 123, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे एनी बेसेंट भी थे, बीजी तिलक भी थे, एनसी केलगर भी थे, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, विकल्प डी। ठीक है, प्रश्न 124, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थान पर फूट पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 125, 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका अधिपत्य रहा, बाल गंगाधर तिलक 1919 में इनका देहावसान हो गया था, और सुभाष चंद्र बोस भी काफ़ी समय बाद नहीं रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 126, भारत में 1914 से 23 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है होम रूल लीग की गतिविधियाँ हो सकती हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है सेना में बलपूर्वक भर्ती, लेकिन सेना में बलपूर्वक भर्ती भी 1918 के बाद द्वितीय विश्व प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है डी ऑप्शन हो या फिर बी ऑप्शन भी हो सकता है, देखिए क्या होता है, ये कुछ एक दो तीन प्रश्न है कन्फ्यूजन वाले हैं। प्रश्न 127, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवां पुत्र भी कहा जाता है, मणिलाल हरिलाल देवदास रामदास, उसके बाद आपका जमनालाल बजाज आएंगे, पांचवां पुत्र कहा जाता है इनको। प्रश्न 128, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी भारत में एक बड़ी आशा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, विकल्प सी जो है आपका सही है, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 129, कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था, 1918 के मुंबई में, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 130, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंचा था, तो जलियांवाला बाग दुर्घटना से, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 131, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, यह चोरी चोरा कांड था, चोरी चोरा कांड ऑप्शन में नहीं है, चोरी चोरा जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था और गोरखपुर ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से एक कोई नहीं होगा, विकल्प ई। ठीक है, प्रश्न 132, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे एमजी रानाडे थे, तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 133, अशोक आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया, ठीक है, किसके द्वारा विरोध किया गया अशोक आंदोलन को वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था, विकल्प बी। अरे भाई, इसमें आपके बहुत लोग विरोध किए थे, इसमें मोतीलाल नेहरू खुद विरोध किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया था। ठीक है, प्रश्न 134, तिलक स्वराज की निधि के लिए कितने रुपये एकत्रित किए थे, लगभग 1 करोड़ रुपया, 99 लाख, अगर 1 करोड़ भी है तो भी सही है, तो 99 लाख लगभग होना चाहिए, विकल्प सी, 1 करोड़ आपका फंड इकट्ठा हुआ था बहुत कम ही दिनों में,
ठीक है, तिलक स्वराज फंड में। प्रश्न 135, 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे और महामंत्री जो थे मोतीलाल नेहरू थे, तो चितरंजन दास विकल्प बी जो है आपका सही है, चितरंजन दास। प्रश्न 136, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी थी? भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज्य दल। कौन सी पार्टी स्वराज संवैधानिक पार्टी बनी थी? इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो सकता है, लेकिन अगर इतिहास पर गौर करें तो स्वराज दल हो सकता है, क्योंकि स्वराज दल ने विधान परिषद में हिस्सा लिया था, वो जगह पा गया था। हो सकता है इसमें स्वराज दल ही हो, विकल्प सी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए, मेरे हिसाब से स्वराज दल होना चाहिए अगर इतिहास की बात कर रहा है तो, क्योंकि इसने विधान परिषद में प्रवेश लेकर सरकारी कामों में हस्तक्षेप की बात किया था इसने। प्रश्न 137 देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, विकल्प बी। प्रश्न 138, किस घटना को राष्ट्रीय आंदोलन का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन हो सकता है, विकल्प बी। प्रश्न 139, इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था, तो गांधी जी का व्यापक कार्यक्रम बहुत बड़ा था, ठीक है, पुनः पैक्ट के बाद, वर्गहीन भारतीय समाज का, रचनात्मक कार्य, स्वच्छता सबका था, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 140, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव हुआ था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 141 देखिएगा, प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930, विकल्प सी। डांडी मार्च भी प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया 12 मार्च 1930 से, ठीक है। 142 देखिएगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 143, 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? लगभग 80,000, ये जो है आपका सही हो सकता है। प्रश्न 144, किसने निर्भीकता के साथ कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 145, किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वो मुस्लिम बहुसंख्यक थे? तो यह आपका बंगाल और पंजाब होगा, ये वहीं जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान बना है वहाँ पर मुस्लिम लीग पूरी तरह से हारी थी। प्रश्न 146, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 147 देखिएगा, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन आया था, बी आपका सही है। प्रश्न 148, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? तो यह आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 149, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो यह माउंटबेटन ने किया था, विकल्प सी। प्रश्न 150, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया था? 18 जुलाई 1947 को, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके पहले का वीडियो कहाँ देखेंगे, यह आपका पूरा आप BPSC TRE 3.0 PGT इतिहास का यह आपका सॉल्व क्वेश्चन है, और यह PDF मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग मिलान करिएगा, बताइएगा कि किस कैटेगरी में कितना प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, सभी लोग बताइएगा, और GK जनरल नॉलेज को भी आप लोग ऐड करके बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को।